नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि केबीसी में मयंक ने कैसे इतिहास रच दिया। जी हाँ दोस्तों, और मयंक इतिहास रचने पर किसने फोन कर सबसे पहले बधाई दी। तो अगर अभी आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं, इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके मयंक को शुभकामनाएं जरूर दीजिए। दोस्तों, केबीसी जूनियर के मंच पर मयंक पहुंचते हैं और मयंक ने इस बार इतिहास रचने में कामयाबी हासिल की है। जी हाँ, आठवीं कक्षा के छात्र मयंक ने इतिहास रच दिया है। केबीसी जूनियर में उत्तर भारत का पहला करोड़पति बनने का खिताब मयंक ने हासिल किया। पाली गांव में मयंक के सम्मान में कई कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। लेकिन उससे पहले मयंक की उपलब्धि पर हरियाणा के मुख्यमंत्री ने खुद मयंक को फोन कर बधाई दी। मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री ने लिखा भी कि हरियाणा के महेंद्रगढ़ के लाल आठवीं कक्षा के होनहार छात्र मयंक ने केबीसी जूनियर में अपने ज्ञान और कौशल से 1 करोड़ रुपए की राशि जीतकर प्रदेश का नाम रोशन किया है। जीनियस बेटे के पिता से फोन पर बात कर उन्हें बधाई दी और मयंक के उज्जवल भविष्य की कामना की। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के शब्द ट्विटर पर। दोस्तों, मयंक के पिता प्रदीप कुमार दिल्ली पुलिस में हेड कांस्टेबल है और उनकी मां बबीता गृहिणी है, हाउसवाइफ। और मयंक ने जिस तरीके से खेल का परिचय दिया, अमिताभ बच्चन के सामने हॉट सीट पर बैठकर सवालों के जवाब दिए, उसे देखकर अमिताभ बच्चन भी चौंक गए। आरपीएस स्कूल में पढ़ने वाले मयंक की उम्र महज 13 साल की है। मयंक ने 1 करोड़ के सवाल का जवाब दे दिया और अब मयंक से अमिताभ बच्चन 7 करोड़ पॉइंट्स के लिए सवाल करेंगे। मयंक की इस उपलब्धि पर आरपीएस ग्रुप की चेयरपर्सन डॉक्टर पवित्रा राव ने भी तारीफ की है और मयंक को बधाई देते हुए मयंक के उज्जवल भविष्य की कामना की है। केबीसी में अच्छा परफॉर्म करने के बाद मयंक जब अपने गांव पाली पहुंचे तो मयंक को खुली जीप में बिठाकर बाबा जयराम दास धाम तक यात्रा निकाली गई। पाली गाँव में खुशी का माहौल है। मयंक का केबीसी में सिलेक्शन की खुशी गाँव में इस कदर छाई रही, वहां आरपीएस स्कूल की ओर से शहर में आजाद चौक और ब्रह्मदेव चौक पर एलईडी लगवाई गई ताकि लोग मयंक के प्रदर्शन को केबीसी में देख सके। और फिर सोनी टीवी पर अमिताभ बच्चन के प्रश्नों के जवाब देते हुए मयंक को लोगों ने देखा। इस दौरान कई दिलचस्प बातें अमिताभ बच्चन के साथ मयंक ने शेयर। जी हाँ दोस्तों, अमिताभ बच्चन ने कहा कि आपके पिता पुलिस डिपार्टमेंट में, तो इससे आपको फायदा होता होगा। मयंक ने कहा, जी हाँ, हमें लाइन में नहीं लगना पड़ता है, हम जहाँ खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू हो जाती है। इस पर अमिताभ बच्चन ने फूट ठहाके लगाए। आठवीं कक्षा में पढ़ने वाले मयंक ने अपने अटूट विश्वास और जानकारी के दम पर केबीसी में पूछे गए हर एक सवाल का सही जवाब दिया और अमिताभ बच्चन ने भी उनके जवाब देने के अंदाज की सराहना की। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें और कमेंट करके मयंक को शुभकामनाएं जरूर दें आज के लिए और बधाई देने का, ताकि मयंक का हौसला अफजाई हो सके। धन्यवाद।